न्यू 10+ बॉट लोकेशंस आ गए। यहाँ पे 3 ऐसी बॉट लोकेशन बताऊंगा जिसमें आपको यहाँ पे इरेंगल में बॉटी बॉट देखने वाले हैं। और आपको यहाँ पे अगर बॉट्स वाली लोकेशन चाहिए ना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि देखो गाइस ऐसे आपको यहाँ पे लगातार बॉट में बॉट मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखो, आपको यहाँ पे 3 लोकेशन में ना आपको यहाँ पे सिर्फ बॉटी बॉट मिलेंगे। उसके लिए आपको 6-7 ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ेगी, वो सब ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो गाइस मैं यहाँ पे सबसे पहले गिरकी ना पोसिंग की साइड वाले घरों में आ गया था। और के बाना हो जिसमें ना आपको मैक्सिमम हाई चांसेस होते हैं बॉट मिलने के, इसलिए मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे अगर कहाँ भी गिरो वो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन लूट वगैरह करके ना आप यहाँ पे पोचिंगी के बान हाउस वाले घर होते हैं ना, वहाँ पे आप आ सकते हो। अपने स्क्वाड के साथ भी आ सकते हो, सोलो भी आ सकते हो। सोलो आओगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्या स्क्वाड के साथ बेनिफिट होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करूँगा। तो देखो गाइस यहाँ पे आ जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे बग्गी से मैं यहाँ पे घुमा रहा था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बॉट हंट करना था। लेकिन गाइस अभी के लिए क्या क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे न्यू बंदे होते हैं ना, वो भी बॉट की तरह प्रिटेंड करते हैं, जिससे हमारे मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे बग्गी को ऐसे घुमा रहा था और मेरे को यहाँ पे एक बॉट देखने को मिल गया। और मैं यहाँ पे गिर के उस बॉट को यहाँ पे इजीली अपनी M249 से बड़म स्प्रे से मार डालता हूँ। तो देखो आपको भी यहाँ पे ऐसे बॉट्स वगैरह इजीली देखने को मिल जाएंगे। कुछ ट्रिक्स आपको यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी, वीडियो के मैं आपको मिडल में टिप्स वगैरह बताता रहूँगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट ट्रिक कि आपको यहाँ पे ऐसी लोकेशन में गिरना है ना जहाँ पे प्लेन पाथ ना आपको उस लोकेशन से ना दूर होगा। मतलब गाइस एकदम सिंपल सी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पे पोचिंगी के साइड में गिरा क्योंकि यहाँ पे अभी प्लेन पाथ ना वो जोरजो पुल रोजो की तरफ था, तो यहाँ पे पोचिंगी का एकदम प्लेन पाथ दूर था, तब आपको यहाँ पे बॉट्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते। इसलिए मैं सबसे पहला पॉइंट कहूँगा तभी कि लोग आपके पास यहाँ पे प्लेन पाथ अगर उस लोकेशन से दूर होना, तब आप यहाँ पे उस लोकेशन में गिरना आपको यहाँ पे इफेक्टिव होगा। तो फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि गाइज आपको यहाँ पे स्क्वाड के साथ गिरना चाहिए या फिर सोलो, ये पूरा का पूरा कन्फ्यूजन ना इस वीडियो में ना क्लियर कर दूंगा। मतलब सिंपली गाइज अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा बॉट चाहिए ना, मैं कहूँगा कि स्क्वाड के साथ गिरो। क्यों गाइज अगर आप यहाँ पे सोलो गिरोगे ना, आपको यहाँ पे 3 से 4 मैक्सिमम देखो गाइज मेरे यहाँ पे 5 बॉट गिरोगे, तो ऐसे 5 से ज़्यादा आपको यहाँ पे बॉट्स नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्क्वाड के साथ गिरोगे ना, आपको यहाँ पे कितने ज़्यादा बॉट वगैरह देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाइज वहाँ पे बंदे ज़्यादा होंगे। आपके पास यहाँ पे 4 मेंबर होंगे और जहाँ पे बंदे ज़्यादा होते हैं ना वहाँ पे फायर वगैरह भी ज़्यादा होते हैं गन्स की, जिससे आपको यहाँ पे बॉट्स वगैरह ईजिली देखने को मिल जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पूरे स्क्वाड के साथ गिरो, या फिर आपके पास स्क्वाड नहीं तो सोलो भी गिरोगे ना, ये मेरे जो बॉट लोकेशन के ट्रिक्स है ना वो आपके लिए यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। तो ये होगा गाइज फर्स्ट लोकेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड लोकेशन। सेकेंड लोकेशन भी गाइज वहीं पे मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि कैसे मेरे को यहाँ पे पबजी मोबाइल में ना पोचिंगी के साइड वाले घर, ये वाले घर मैंने पहले वाले लोकेशन में गया था कि उस वाले बान हाउसेज में आपको मिलेंगे, अब इस बार इस वाले बान हाउस में आया, क्योंकि गाइज पोचिंग की इतना ज़्यादा बड़ा हॉट ड्रॉप है ना अभी के लिए। अभी 2.5 अपडेट के बाद तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन गाइज 2.5 अपडेट से पहले तक भी और अभी भी थोड़ा थोड़ा इतना ज़्यादा हॉट ड्रॉप है, यहाँ पे बंदे काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। तो यहाँ पे मेरा थर्ड पॉइंट भी यही है गाइज, आपको वहीं पे गिरना है जहाँ पे बंदे ज़्यादा गिरते हैं। अब आप सोच रहे हो कि बंदे ज़्यादा गिरेंगे तो हम इजीली मर जाएंगे, क्या ये बकवास पॉइंट कह रहा है? ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आपको मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों कहा। और देखो एंड तक मेरे को यहाँ पे 8 से 9 बॉट मिलेंगे इस लोकेशन, वो भी ये सब ट्रिक फॉलो करके। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि बंदे ज़्यादा हो जहाँ पे गिरेंगे आपको भी वहीं पे गिरना है, क्यों गाइस जहाँ पे बंदे ज़्यादा गिरते हैं ना वहाँ पे फाइट वगैरह होती है। और मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम नोटिस किया, आपने भी किया होगा कि जहाँ पे फाइट ज़्यादा होती है ना वहीं पे आपको यहाँ पे बॉट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, इसलिए आप वही लोकेशन में गिरो जहाँ पे बंदे ज़्यादा गिरते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कहूँगा डायरेक्ट आप यहाँ पे पोचिंग के घरों में गिर जाओ, मैं भी देखो मैं यहाँ पे दो अपने टीममेट और मैं आप यहाँ दोनों जन गिरे थे और मैं यहाँ पे साइड वाले घरों में गिर गया, क्योंकि इससे एक फ़ायदा होता है यहाँ के जो बॉट है ना उसको भी मैं यहाँ पे ईजिली नॉकआउट वगैरह कर दूंगा, और वहाँ पे पोचिंग के बॉट को भी मैं यहाँ पे किल करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है गाइस आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली डिसकनेक्ट वगैरह होते रहना। अगर आपको जिस भी लोकेशन का बॉट लोकेशन चाहिए ना, बॉट वगैरह चाहिए ना, वहाँ पे ना अपना फ्रेंड को डिसकनेक्ट कर देना 1 या 2 मिनट के लिए, या फिर खुद डिसकनेक्ट हो जाना। हाँ गाइज ये ट्रिक एकदम इफेक्टिव है और ये ट्रिक एकदम वर्किंग ट्रिक है। हाँ मैंने इस ट्रिक की मदद से
काफ़ी ज़्यादा टाइम बॉट वगैरह मिलें। और लास्ट के तीन ट्रिक्स तो एकदम कन्फर्म 10+ बॉट लोकेशन वाले ट्रिक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो ये पाँच ट्रिक्स मैंने यहाँ पर बताया ना, ये पाँच ट्रिक्स यूज करके ना आप यहाँ पे इजीली एसिस मिल सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से समराइज कर दूंगा एंड में वीडियो में। उसके बाद गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स ट्रिक ये गाइज आपको यहाँ पे एकदम जो डिफरेंट लोकेशन है वहाँ पे आपको ट्रैवल कर देना है। मतलब गाइज पोचिंग की हो गया, रोजों को हो गया, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बंदे वगैरह मिलेंगे, लेकिन जो सिंपल लोकेशन हो गया, स्टैबलर हो गया, प्रिजन हो गया, मिल्टा पावर हो गया, मिल्टा हो गया, नोवापोली भी आजकल काफ़ी लोग नहीं गिर रहे हैं वहाँ पे ना। आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे ना आपको वहाँ पे एकदम वगैरह मिलने चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। नोवापोली होगा गाइज, स्टैबलर वगैरह हो गया, वहाँ पे भी बॉट मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ के साइड गाइज यहाँ पे रिवर है और रिवर से ही यहाँ पे बॉट वगैरह स्पॉन होते हैं। तो ये सब करोगे ना तो भी आपको यहाँ पे बॉट मिलेंगे। तो लाओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट गाइज, आपको यहाँ पे ना किसी भी में आपके बॉट लोकेशन चाहिए ना, सिंपल सी एक ट्रिक बताऊंगा, ये आपको हमेशा याद करनी है। अगर आपको लिविक के बॉट लोकेशन चाहिए, इरेंगल के बॉट लोकेशन चाहिए, सैनफ के बॉट लोकेशन, किसी भी में आपके बॉट लोकेशन चाहिए ना, आपको वो मैं अपना 2 या 3 दिन के लिए ना खेलना छोड़ देना। मतलब आप सोच रहे हो खेलना ही छोड़ देंगे तो कैसे होगा, हम यहाँ पे किल वगैरह कैसे कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उसमें आपको खेलना छोड़ दोगे ना 2-3 दिन के बाद, आपको यहाँ पे लॉग आउट करके क्लियर कैसे वगैरह करके ना लॉग इन करके फिर मैच स्टार्ट करोगे ना, आपको यहाँ पे 5 से 10 मैच ना सिर्फ और सिर्फ नूब लॉबी मिलेगी, बॉट लॉबी मिलेगी। हाँ गाइज मैं यहाँ पे कन्फर्म बता रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ नूब और बॉट लॉबी देखने को मिलेगी। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि गाइज मैं भी अगर यहाँ पे किसी भी बॉट लोकेशन वगैरह चाहता हूँ ना, मैं उसमें आपको ना खेलना छोड़ देता हूँ। यहाँ पे भी देखो गाइज मैं अभी इसमें आपको 1 या 2 हफ्ते बाद खेल रहा हूँ, और मेरे को यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स है ना, अपार्टमेंट में यहाँ पे थर्ड लोकेशन हमारा अपार्टमेंट की साइड और वहाँ की साइड होने वाला है गाइज, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बॉट मिलते हैं, वहाँ पे मेरे को यहाँ पे इजीली 4 से 5 बॉट देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट में आपको अभी यहाँ पे समराइज करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो गाइज आपको यहाँ पे जहाँ पे प्लेन पाथ नहीं है ना वहाँ पे गिरना है, उसके बाद गाइज आप यहाँ पे स्क्वाड के साथ गिरो, सोलो गिरो, ये आपका चॉइस है। उसके बाद आप यहाँ पे जिस भी लोकेशन में जाओ ना प्री फायर वगैरह कर देना। प्री फायर करने से क्या होगा गाइज, बॉट्स आपकी तरफ आ जाते हैं, जिससे आपको बॉट्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। प्री फायर वगैरह करने के बाद आप यहाँ पे डिस्कनेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं, और डिस्कनेक्ट करने से भी आपको यहाँ पे बॉट्स वगैरह मिल जाएगा। आप डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते तो अपने फ्रेंड वगैरह को भी डिस्कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे किसी भी डिफरेंट लोकेशन में जा सकते हो, और डिफरेंट लोकेशन में जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना वहाँ पे एकदम न्यू हो जाएगा, जिससे बॉट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। उसी के साथ आप यहाँ पे किसी भी हॉट ड्रॉप्स के पास वाले घरों में जा सकते हो, जिससे हॉट ड्रॉप में जो बॉट्स वगैरह मिलेंगे ना उसको आप इजीली किल कर देना, और उससे आप यहाँ पे बॉट वगैरह किल कर सकते हो। ये गाइज इन सब ट्रिक्स को अगर आप यहाँ पे डिटेली फॉलो करोगे ना आपको यहाँ पे बॉट्स ही बॉट्स देखने को मिलेंगे। देखो गाइज मेरे को यहाँ पे गिरते ही अब मेरे को यहाँ पे बॉट्स ही बॉट्स देखने को किल मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे अभी के लिए ट्रिक बताई है ना वो फॉलो किए। मैं यहाँ पे गिरते देखो गाइज शॉट गन का स्प्रे करने लग गया, प्री फायर वगैरह करने लग गया, जिससे क्योंकि गाइज मेरे को यहाँ पे बॉट्स ही बॉट्स चाहिए थे, इसलिए मैं यहाँ पे गिरते ही प्री फायर वगैरह करने लग गए। और प्री फायर कर रहा था तब तक मैं यहाँ पे इजीली लूट भी रहा था। तो ऐसे ये सब ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, कन्फर्म मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे बॉट वगैरह देखने को मिलेंगे। और इन्हीं 3 लोकेशन में नहीं गाइज, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और लोकेशन है जहाँ पे बॉट देखने को मिल सकते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बॉट्स के ऊपर, लिविक के बॉट के ऊपर, इरेंगल कन्फर्म बॉट, 10+ बॉट, 19+ बॉट भी मैंने यहाँ पे लोकेशन बताई है, जहाँ पे मेरे को लिटरली 19 से भी ज़्यादा बॉट मिले एक ही मैच में। देखो मेरे को यहाँ पे आगे एक बॉट देखने को मिल गया, इसको इजीली किल कर लिया। तो वो सब वीडियोस जो है ना मैंने यहाँ पर चैनल पे बना के रखी है, आप यहाँ पे मेरे चैनल के सारे वीडियोस को एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डिवाइस वगैरह लैग हो रहा है, लो एंड डिवाइस वाले हो, उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना के रखी है, वो भी आप यहाँ पे इजीली चेकआउट वगैरह कर सकते हो। और देखो गाइस इसके साथ यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती वगैरह करते हैं और इसको यहाँ पे इजीली किल कर देंगे। तो इसी के साथ मेरे को यहाँ पे और बॉट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ये सारे ट्रिक्स को फॉलो करोगे इजीली आपको यहाँ पे बॉट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और देखो गाइस अगर आपको यहाँ पे कुछ भी क्वेरीज है ना, आपको यहाँ पे पबजी वगैरह लॉग इन कर नहीं हो रहा है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है पबजी मोबाइल से रिलेटेड, बेझिझक मेरे को यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे 2-3 दिन में सॉल्यूशन बता दूंगा। फिर भी अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन वर्क नहीं करा तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी डाल दूंगा, बस आप यहाँ पे मेरे को सॉल्यूशन बताओ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इफेक्टिव लगी हो तो लाइक कर देना गाइस, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई लेकिन आपके लिए यहाँ पे एकदम ये सारे ट्रिक्स वर्क करने वाले हैं। तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।